आरजेडी उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। निशाना साधने के साथ ही शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बड़ी नसीहत भी दे डाली है। और यही नहीं, तिवारी ने राहुल गांधी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कांग्रेस को बिना पतवार की नाव बताया है। शिवानंद ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी अनिच्छुक नेता हैं, उनमें लोगों को उत्साहित करने की क्षमता नहीं है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि जनता की छोड़िए, उनकी पार्टी के लोगों का ही उन पर भरोसा नहीं है। शिवानंद तिवारी ने सोनिया गांधी से देश हित में पुत्र मोह त्यागने की भी अपील की है। कहा कि हमारी बातें आरजेडी नेतृत्व को भी नागवार गुजर सकती हैं, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसा लिखने को विवश हूं। आरजेडी नेता ने कहा कि कांग्रेस की बैठक होने जा रही है, पता नहीं उस बैठक का नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि कांग्रेस का भी कोई खेवनहार नहीं है। शिवानंद ने कहा कि खराब स्वास्थ्य के बावजूद बहुत ही मजबूरी में सोनिया जी काम चलाऊ अध्यक्ष के रूप में किसी तरह पार्टी को खींच रही हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे याद है सीताराम केसरी के जमाने में डूबती जा रही कांग्रेस की कमान संभाल उन्होंने पार्टी को सत्ता में पहुंचा दिया था। उन्होंने कहा कि 2004 में सोनिया जी के नेतृत्व में ही बहुमत मिला था तो प्रधानमंत्री पद की वे स्वाभाविक अधिकारी थी, लेकिन उनका पीएम नहीं बनना असाधारण कदम था। कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी द्वारा कांग्रेस पार्टी और पार्टी नेतृत्व के संबंध में दिए गए बयान को अनुचित और उकसाने वाला बताया है। उन्होंने आरजेडी नेतृत्व से मांग की है कि उनकी पार्टी श्री तिवारी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करे, आरजेडी उन्हें तत्काल पार्टी से निकाले। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि शिवानंद तिवारी आरजेडी में है, लेकिन कांग्रेस को लेकर भाजपाइयों की भाषा में बार बार ऐसे बयान देते हैं जो सहयोगी दल से अपेक्षा नहीं की जाती है। कांग्रेस को ऐसे बयान अस्वीकार है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से अपेक्षा है कि वो बीजेपी की भाषा बोलने वाले शिवानंद तिवारी को आरजेडी से बाहर निकाले। तिवारी कांग्रेस विरोधी मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति हैं और पहले भी कई बार कांग्रेस नेतृत्व के विरुद्ध अनर्गल बयानबाजी कर चुके हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि शिवानंद तिवारी बीजेपी में जाने की जुगाड़ में लगे हैं और इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज़।